द पढ़ंतु आईएएस के वीकली डॉट सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। लास्ट वीक क्या क्या करंट अफेयर्स में थे उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला है कि क्रेडा को एक बड़ी उपलब्धि मिली है। क्रेडा मीन्स क्या है? छत्तीसगढ़ राज्य, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण, ठीक है, क्रेडा, ठीक है, छत्तीसगढ़ स्टेट रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी क्रेडा को, है ना, राष्ट्रीय स्तर पे उपलब्धि मिली है। उनको क्या मिला है? स्टार परफॉर्मेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये सम्मान किसने दिया है? सोसाइटी ऑफ एनर्जी इंजीनियर्स एंड मैनेजर्स सीम के द्वारा 8वें नेशनल एनर्जी मैनेजमेंट अवार्ड समारोह में ये सम्मान प्रदान किया गया है। ये सम्मान क्रेडा को लगातार 3 वर्ष 2020, 21 और 22 से क्रेडा को सीम द्वारा ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में, ठीक है, ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य नामित एजेंसी के रूप में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। क्रेडा द्वारा विगत 11 वर्षों में प्रदेश के ऊर्जा संरक्षण एवं ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की गई है। तो ठीक है, इसमें क्या है कि क्रेडा को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, ठीक है, स्टार परफॉर्मेंस अवार्ड, ठीक है। ये किस क्षेत्र में दिया गया है? ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में दिया गया है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट न्यूज है कि आयुष्मान भारत योजना को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ को 3 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है? आयुष्मान भारत योजना को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ को 3 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कि आयुष्मान भारत योजना के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ को 3 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जो बड़े राज्यों की श्रेणी में छत्तीसगढ़ को योजना के तहत सेवाएं प्रदान करने में लैंगिक समानता, ठीक, राज्य को आवंटित राशि को 100% उपयोग और राज्य के 90% से अधिक परिवारों में कम से कम एक आयुष्मान कार्ड के लिए पुरस्कृत किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ठीक, ये जो दिल्ली में, ठीक है, क्या कार्यक्रम हुआ था? दिल्ली में हुआ था, नई दिल्ली में आयोजित आरोग्य मंथन 2023 कार्यक्रम में इस पुरस्कार को दिया गया है। दिल्ली में आयोजित आरोग्य मंथन 2023 कार्यक्रम में यह पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसी आरोग्य मंथन, है ना, अवार्ड शो में, ठीक है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दिल्ली में आयोजित आरोग्य मंथन कार्यक्रम में रायपुर एम्स को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत 2 अवार्ड दिया गया है, ठीक है, कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दिल्ली में आयोजित आरोग्य मंथन कार्यक्रम में रायपुर एम्स को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत 2 अवार्ड दिया गया है, जिसमें से ये 2 अवार्ड क्या है? एम्स को यह 2 पुरस्कार आभा पोर्टल, किसके लिए? आभा पोर्टल, आभा पोर्टल के द्वारा मरीजों को ओपीडी रजिस्ट्रेशन में दी जाने वाली सुविधा तथा एम्स दिल्ली के बाद देश में सर्वाधिक डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड के लिए दिया गया है। इन 2 कारणों से एम्स रायपुर को अवार्ड मिला है, डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड में एम्स को अवार्ड मिला है राष्ट्रीय लेवल का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट न्यूज है आवास न्याय सम्मेलन, ठीक है, नेक्स्ट न्यूज क्या था? आवास न्याय सम्मेलन, जो कब हुआ है? 25 सितंबर को हुआ है, और कहां हुआ है? बिलासपुर में, ठीक है। आवास न्याय सम्मेलन कहां हुआ? बिलासपुर में। कब हुआ? 25 सितंबर 2023 को हुआ है, ठीक है। चलिए इसके बारे में आगे और देख लेते हैं। आवास न्याय सम्मेलन में आवास न्याय योजना के तहत प्रदेश के सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक, है ना, 47,000 से अधिक आवासहीन परिवार और पीएमवाई की स्थायी प्रतीक्षा सूची के करीब 7,00,000 परिवार, है ना, लाभान्वित होंगे। इन्हें आवास बनाने के लिए राज्य सरकार राशि उपलब्ध कराएगी। क्या बोला गया है कि प्रदेश में सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक जो 47,000 से अधिक आवासहीन
परिवार और जो प्रधानमंत्री है ना आवास योजना के स्थायी प्रतीक्षा सूची के करीब कितने 7 लाख परिवार इस योजना के तहत आवास न्याय योजना के तहत लाभान्वित होंगे, इनको राज्य सरकार आवास बनाने के लिए राशि उपलब्ध कराएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट न्यूज है कि कबीरधाम जिले में गन्ना आधारित प्रदेश के सबसे बड़े और पहले एथेनॉल संयंत्र की स्थापना की गई। तो एथेनॉल संयंत्र कहां स्थापित किया गया? कबीरधाम जिले में, और ये प्रदेश का सबसे पहला और सबसे बड़ा एथेनॉल संयंत्र प्लांट है। प्रदेश का सबसे बड़ा और सबसे पहला एथेनॉल संयंत्र है ना कबीरधाम जिले में स्थापित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, इसको 141 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है इस संयंत्र को, है ना, पहले एथेनॉल संयंत्र को 141 करोड़ के लागत से बनाया गया है। ठीक है, यह संयंत्र भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना की 35 एकड़ भूमि में है ना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल से बनाया गया है। ठीक है, यह संयंत्र है ना भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना की 35 एकड़ भूमि में है ना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल से बनाया गया है। ठीक है, भोरमदेव सहकारी कारखाना को के एमडी कौन? भूपेंद्र ठाकुर ने बताया कि इथेनॉल प्लांट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। किसके थ्रू बनाया गया है? हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के थ्रू, जिसमें गन्ना पेराई सीजन के दौरान सीधे गन्ने के जूस से और ऑफ सीजन में के दौरान मोलासिस से इथेनॉल बनाया जाएगा। किससे? मोलासिस से इथेनॉल बनाया जाएगा ऑफ सीजन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट न्यूज क्या है कि छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के सरोधा दादर गांव को राष्ट्रीय स्तर पर रजत श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम का पुरस्कार दिया गया है। अभी राष्ट्रीय, ठीक है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। इसी के उपलक्ष में छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के सरोधा दादर गांव को राष्ट्रीय स्तर पर रजत श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में जो सरोधा दादर को देश भर के 795 पर्यटन ग्रामों की प्रतियोगिता में विविध मापदंडों के आधार पर सर्वश्रेष्ठ ग्राम के रूप में चुना गया है। ठीक है, कितने पर्यटन ग्राम थे? 795 पर्यटन ग्रामों में है ना विभिन्न मापदंडों के आधार पर सर्वश्रेष्ठ ग्राम के रूप में चुना गया है। ठीक, विश्व पर्यटन दिवस कब? 27 दिसंबर के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित समारोह में यह सम्मान दिया गया है, यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, सरोधा दादर को ग्रामीण पर्यटन के लिहाज से स्थानीय परिवेश और प्राकृतिक मूल्यों के साथ ही श्रेष्ठ गतिविधियों के कारण 9 विभिन्न खंडों में श्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक, तो इस न्यूज में क्या है, जो कबीरधाम जिले के सरोधा दादर गांव को राष्ट्रीय स्तर पर रजत श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम का पुरस्कार दिया गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का समापन हुआ। ठीक है, 27 तारीख को है ना ये समापन हुआ, 25 से 27 सितंबर तक के रायपुर के इंडोर स्टेडियम और रायपुर में विभिन्न जगहों पर इसका आयोजन किया गया था। तो जो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक है उसकी शुरुआत कब हुई थी? 17 जुलाई से। कब से स्टार्ट हुई थी? 17 जुलाई से हरेली के दिन छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का शुरुआत हुआ था। ये 6 चरणों पे, ठीक है, ये प्रतियोगिता हुई, जिसमें से है ना आखिरी चरण जो है वो 25 से 27 सितंबर तक, ठीक है, राज्य स्तर पर हुआ और ये 27 सितंबर को इसका समापन हुआ। ठीक है, इसमें इसके शुभांकर का नाम क्या था? बछरू। ठीक है, ठीक, इसके शुभांकर का नाम क्या था? बछरू। ये कितने चरणों में हुआ था? 6 चरणों में ये प्रतियोगिता हुई है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट न्यूज क्या है कि रायपुर के लाभांडी में 17.15 करोड़ रुपए की लागत से है ना टेनिस अकादमी छत्तीसगढ़ की पहली और सबसे बड़ी अकादमी होगी। ठीक है, कि छत्तीसगढ़ की पहली टेनिस अकादमी कहां खुल रही है? जोरा, रायपुर के जोरा में। ठीक है, ये सिंथेटिक कोर्ट मुख्य और प्रैक्टिस करने के लिए बनाया गया है। इसकी दर्शक क्षमता कितनी है?
3000 इसकी दर्शक क्षमता होगी और टोटल कितने बड़े लैंड में बनाया गया है इसको, 4 एकड़ जगह पे बनाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, और इसकी कुछ विशेषताएं हैं उसको देख लेते हैं। इसमें एक मुख्य सिंथेटिक टेनिस कोर्ट एवं 5 नग प्रैक्टिस कोर्ट है। ठीक है, जो टेनिस अकादमी अभी जोरा रायपुर में बना है उसमें एक मुख्य सिंथेटिक टेनिस कोर्ट और 5 प्रैक्टिस कोर्ट है। ठीक है, इसमें कोर्ट निर्माण में कुल अल्ट्रा कुशन 9 लेयर सिंथेटिक सरफेस का उपयोग किया गया है। ठीक है, इसकी जो दर्शक क्षमता है वो 2000 एवं मुख्य भवन अंतर्गत वीआईपी दर्शक की क्षमता 500 रखी गई है। ठीक, टेनिस एकेडमी में हॉस्टल एवं मुख्य भवन में आवश्यकता अनुसार एयर कंडीशनिंग भी है। हॉस्टल भवन में 46 रूम में 92 खिलाड़ियों के रुकने की व्यवस्था और डाइनिंग हॉल का भी प्रावधान है। तो इस न्यूज से क्या है कि जो छत्तीसगढ़ की पहली टेनिस अकादमी कहां बन रही है, ये रायपुर के जोरा में बन रहा है। ठीक है, जो मुख्य पॉइंट क्या है, रायपुर के जोरा में, और ये टेनिस अकादमी छत्तीसगढ़ की पहली टेनिस अकादमी होगी। ठीक, कहां है, रायपुर के जोरा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है कि छत्तीसगढ़ के जो राजस्व जो खनिज से होता है उसमें उसकी वृद्धि कितनी हुई है, 30 गुना वृद्धि हुई है। जो वर्ष 2022-23 में लगभग 13000 करोड़ रुपए का खनिज राजस्व छत्तीसगढ़ को मिला है और राज्य के GSDP में खनिज का 11% योगदान है। ठीक है, तो इस न्यूज में मुख्य मुख्य बात यह है कि खनिज राजस्व की कितनी गुना वृद्धि हुई है, 30 गुना वृद्धि हुई है, और वर्ष 2022-23 में 13000 करोड़ रुपए का खनिज राजस्व छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुआ है। और इसमें एक पॉइंट ये मुख्य है कि राज्य की GSDP में खनिज का कितना प्रतिशत योगदान है, 11% योगदान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। जो नेक्स्ट न्यूज क्या है कि कृषक सह श्रमिक सम्मेलन 2023 कहां हुआ, भाटापारा में, कब हुआ था, 28 सितंबर को हुआ था। कृषक सह सम्मेलन 2023 कहां, भाटापारा में, 28 सितंबर को हुआ था। इसमें मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना का शुभारंभ किया गया। इसमें मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना का शुभारंभ किया गया था। इसमें क्या है, निर्माणी श्रमिकों को है ना 1500 रुपए की पेंशन की सहायता मिलेगी। ठीक है, इसमें क्या है, जो निर्माणी श्रमिक है उनको 1500 रुपए की मासिक पेंशन की सहायता दी जाएगी मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक सहायता योजना के तहत। इसका शुभारंभ कब से कहां किया गया, श्रमिक सह सम्मेलन है ना, कृषक सह श्रमिक सम्मेलन 2023 भाटापारा में 28 सितंबर से इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें ठीक नेक्स्ट न्यूज क्या है कि देश की प्रतिष्ठित फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की, ठीक है, फिक्की द्वारा विगत कई वर्षों से अच्छे कार्यों तथा बेस्ट प्रैक्टिसेस पर राज्य पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया गया है। किसके थ्रू, फिक्की के थ्रू राज्य पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया गया है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, ये स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड 2023 है, स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड 2022 है। इसमें कम्युनिटी पुलिसिंग कैटेगरी में, ठीक है, जिला दंतेवाड़ा में चलाए गए लोन वार्टूर कार्यक्रम के लिए दंतेवाड़ा के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव IPS हैं, जो अभी वर्तमान में कबीरधाम में पुलिस अधीक्षक हैं, उनको दिया गया है। ठीक है, और दूसरा अवार्ड है सर्विलेंस एंड मॉनिटरिंग कैटेगरी में, ठीक है, जिसको राजनांदगांव में चलाए गए त्रिनेत्रम अभियान के लिए, ठीक है, पुलिस अधीक्षक, ठीक है, राजनांदगांव एवं वर्तमान पुलिस अधीक्षक आजाद चौक श्री मयंक गुर्जर जी को दिया गया है। ठीक है, जो सर्विलेंस एवं मॉनिटरिंग कैटेगरी में किनको मिला है, श्री मयंक गुर्जर IPS हैं, उनको मिला गया है। और तीसरा कैटेगरी है वुमन सेफ्टी कैटेगरी में राज्य स्तरीय अभिव्यक्ति कार्यक्रम के लिए श्रीमती पूजा अग्रवाल को यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, फिक्की स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है, जो राज्य पुलिस के लिए गौरव की बात है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इंडियन से न्यू, इंडिया कैटेगरी से न्यूज है कि प्रख्यात अभिनेत्री वहीदा रहमान को इस साल दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इस वर्ष है ना किनको, वहीदा रहमान जी को, ठीक है, दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा।
ठीक है, इनको पद्मश्री पद्म भूषण पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, इनको पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार से ये सम्मानित हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में इंडिया गेट की देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को हरी झंडी दिखाई। तो देश की पहली हाइड्रोजन, है ना, देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस, ठीक, हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को कहां पे, नई दिल्ली में, किसने, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने, ठीक है, हरी झंडी दिखा के इसकी शुरुआत की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन का चेन्नई में निधन हो गया। इनका निधन, है ना, 28 सितंबर को हुआ है। ठीक है, इनका निधन कब हुआ है, 28 सितंबर को हुआ है। ठीक है, भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन का निधन हुआ है, कहां, चेन्नई में। ठीक है, चलिए इनके बारे में देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, जो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन, ठीक है, ये इनको 1972 से 1980 के बीच में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक और 1982 से 1988 के बीच में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संगठन के महानिदेशक भी रहे हैं, और इनको कई राष्ट्रीय पुरस्कार और भी मिले हैं जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार थे। उन्हें 1986 में अल्बर्ट आइंस्टीन विश्वविद्यालय पुरस्कार, ठीक है, विश्व विज्ञान पुरस्कार, अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार 1986 में, और 1991 में, है ना, टाइटलर पर्यावरण उपलब्धि पुरस्कार, और 2000 में अंतर्राष्ट्रीय भूगोल संघ का पदक प्रदान किया गया है। ठीक है, इन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया है। किनको, एम एस स्वामीनाथन को। ठीक है, ये धान के नई किस्म की बीज के लिए जो अधिक प्रोडक्शन देती है उसके लिए इन्होंने खोज किया था, इस पे काम किया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, अभी हाल ही में, ठीक है, एशियाई खेलों की शुरुआत कहां हुई है, ठीक है, 19वीं एशियाई खेलों की शुरुआत कहां की गई है, चीन में, चीन के हांगझोउ शहर में इसकी शुरुआत की गई है। 19वीं एशियाई खेलों की शुरुआत कहां की गई है, चीन के हांगझोउ में शुरुआत की गई है। ठीक है, इसमें पहले दिन इनको भारत को 3 रजत पदक समेत 5 पदक मिले थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट न्यूज क्रिकेट से है। भारत ने एशियन गेम्स में महिला क्रिकेट में स्वर्ण पदक जीता है। भारत ने एशियन गेम्स में महिला क्रिकेट में स्वर्ण पदक जीता है। किसके खिलाफ जीता है, श्रीलंका के खिलाफ। ठीक है, किसके खिलाफ जीता है, श्रीलंका के खिलाफ। ठीक है, और इसी में एक क्रिकेट से और एक न्यूज है कि जो पुरुष क्रिकेट है वो इतिहास में सभी फॉर्मेटों में शीर्ष स्थान में हासिल करने वाला ये कौन सा देश है, ये भारत दूसरा देश है। इससे पहले ऐसा करने वाला जो तीनों फॉर्मेट में शीर्ष में स्थान में रहे तो वो अगस्त 2012 में दक्षिण अफ्रीका ऐसी टीम थी जो तीनों फॉर्मेट में फर्स्ट रैंक में थी। अभी भारत तीनों फॉर्मेट में फर्स्ट रैंक में है। इसमें टेस्ट वनडे, ठीक है, इसमें टेस्ट वनडे सारी चीजें शामिल है। ठीक है, टेस्ट, है ना, टेस्ट, T20 और वनडे, ये तीनों में भारत पहले नंबर पे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो न्यूज है वो है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गाजियाबाद के, है ना, हिडन एयरबेस पर भारत ड्रोन शक्ति प्रदर्शन का उद्घाटन किया और पहले C-259 परिवहन विमान की भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। किसको, पहला C-295 परिवहन विमान को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है। ठीक है, कहां, गाजियाबाद के हिडन एयरबेस में शामिल किया गया। ठीक, C-295 परिवहन विमान को। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं, अभी तक के जितना हम लोग उसमें देखे हैं। तो उसमें पहला क्वेश्चन है, गन्ना आधारित प्रदेश के सबसे बड़े और पहले एथेनॉल संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई है। ठीक, ऑप्शन देखिए, ए प्रतापपुर, बी रायपुर, सी कबीरधाम और डी इनमें से कोई नहीं। तो गन्ना आधारित छत्तीसगढ़ प्रदेश का सबसे बड़ा और पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ लगाया गया है, कबीरधाम में, ऑप्शन सी,
ठीक, ऑप्शन सी कबीरधाम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस जिले के सरोधा दादर गांव को राष्ट्रीय स्तर पर रजत श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम का पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन देखिए, ए कबीरधाम, बी कांकेर, सी मुंगेली या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है कि सरोधा दादर जो गांव है वो कहां है? कबीरधाम। ऑप्शन ए, इसका ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ की पहली और सबसे बड़ी टेनिस अकादमी कहां है? ठीक है, छत्तीसगढ़ की पहली और सबसे बड़ी टेनिस अकादमी कहां है? ठीक है, ठीक, तो ऑप्शन देखिए, रायपुर, बी बिलासपुर, सी दुर्ग या डी कोरबा। तो जो छत्तीसगढ़ की पहली और सबसे बड़ी टेनिस अकादमी कहां बन रही है? रायपुर जोरा में। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही होगा, इसका ऑप्शन ए सही होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में आवास न्याय सम्मेलन बिलासपुर में कब आयोजित हुआ? जो आवास न्याय सम्मेलन बिलासपुर में कब आयोजित हुआ? ऑप्शन देखिए, ए 21 सितंबर, बी 22 सितंबर, सी 25 सितंबर या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी 25 सितंबर को आवास न्याय सम्मेलन बिलासपुर में आयोजित हुआ। और 21 सितंबर को क्या हुआ था? महिला समृद्धि सम्मेलन, महिला समृद्धि सम्मेलन। ठीक, कहां हुआ था ये? भिलाई के जयंती स्टेडियम में हुआ था। ठीक, और छत्तीसगढ़ में आवास न्याय सम्मेलन जो है वो कहां हुआ था? 25 सितंबर को बिलासपुर में आयोजित हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2022-23 में जीएसडीपी में खनिज का कितना प्रतिशत योगदान रहा? छत्तीसगढ़ राज्य में जीएसडीपी में खनिज का कितना प्रतिशत योगदान रहा? ऑप्शन देखिए, ए 10%, बी 11%, बी 11%, सी 15% या डी 18%। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी 11%। तो वर्ष 2023 में छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में खनिज का 11% योगदान रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस साल का दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन है, ए रेखा जी, बी आशा पारेख, सी रजनीकांत या डी वहीदा रहमान। तो इस साल दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, ठीक है, वहीदा रहमान जी को दिया जाएगा। ऑप्शन डी सही होगा, इसमें ऑप्शन डी वहीदा रहमान सही होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? ठीक है, भारत में हरित क्रांति के जनक थे ऑप्शन ए एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, हरित क्रांति, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? डॉक्टर, है ना, एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन, चलिए आगे बढ़ते हैं। 19वें एशियाई खेलों का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो 19वें एशियाई खेलों का आयोजन ऑप्शन बी चीन में किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस वीक के लिए इतना ही रखते हैं। हमारे करंट अफेयर्स आपको हमारे सोशल मीडिया में, टेलीग्राम चैनल्स पे अवेलेबल हो जाएंगे, और इस क्यूआर कोड के थ्रू हमारे द पढ़ंतु आईएएस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें भी आपको सारे ये कंटेंट्स मिल जाएंगे। और इसके अलावा जो ऑफलाइन या ऑनलाइन में और भी क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, हमारी जो ऑफलाइन की क्लासेस है वो छत्तीसगढ़ में रायपुर के सुंदरनगर में RBI के सामने चल रही है। कोई भी एग्जाम से रिलेटेड क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं, या इस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तो उसमें भी सारी जानकारियां आपको मिल जाएंगी। इस वीक के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।